रीजन पे अगर जाए तो ऑल द यूनिसम जितने की यूनिसोलर ऑर्गेज्म है वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करने के लिए और एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को शो करने के लिए यानी अगर एसे पे जाए तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बिल्कुल सही बात है और रीजन में अगर आप देखें तो कह रहा है कि अगर कम से कम एक सेल का अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से परफॉर्म कर सकता है अपना जीवन जी सकता है इवन यहां तक कहा गया है कि अगर एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेल से कम कुछ भी है तो वहां जीवन के बारे में हम सोच नहीं सकते तो यानी इसमें बात कर रहे हैं कि functional और structural की इसमें बात कर रहे हैं कि एक से कम रीजन भी सही हो जाएगा और रीजन एसन की बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है तो पहला ऑप्शन चेक करिए बोथ ए एंड आर यानी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो सर बिल्कुल सही सेंटेंस आपका है यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगर अगले क्वेश्चन पे आए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ईच सेल ए डेंस डेंस सॉरी बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस अगर एक सेल की बात आप करें तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं ओके okay? रीजन पे चाहे न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड जिसमें कि सिर्फ डीएनए ही होगा तो जी नहीं एसर्सन आपका बिल्कुल सही है लेकिन रीजन में कह रहे हैं सिर्फ डीएनए होगा तो सर इसके अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता बच्चों याद रखिएगा इसके अंदर आर भी होता है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है तो इसलिए आपका रीजन गलत हो जाएगा तो एसर्सन सही एंड रीजन गलत ऑप्शन छंट लीजिए बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू जी नहीं अगेन बोथ ए एंड आर इंडिविजुअल ट्रूथ ये भी नहीं होगा अगर इसके थर्ड ऑप्शन में जाएंगे यही आपका आंसर होगा जिसमें एक्टिविटीज ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल अगर आप किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को देखें तो जो साइटोप्लाज्म होता है अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें प्लांट सारे सारे सारी सारी हो चाहे animal, तो वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल है। ये वो जगह है जहां पे ढेर सारी केमिकल रिएक्शन होती है और जिससे कि एक सेल को लिविंग बनाया जा सके लिविंग रखा जा सके लिविंग बनाए रखा जा सके तो एस्टेशन भी सही है क्योंकि में सारे के सारे फंक्शन होते हैं मेन है प्लांट एनिमल दोनों की सन भी सही है और रीजन में अगर आप देखें तो सारे के सारे काम सारी के सारी मैकेनिज्म सारी के सारी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है इसलिए वो लिविंग है ठीक है तो अगर आप इसका आंसर देखें तो ये आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए काफी हद तक एसन को सपोर्ट कर रहा है आपका रीजन ठीक है अगले क्वेश्चन में चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल हैव डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल नाम देते हैं कभी भी आप यू कैराट सेल में अगर आप देखें मान लीजिए यू कैराट सेल है इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो गया

एसोसन तो भी सही रीजन भी सही लेकिन रीजन एसोसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं कोई आपस में लिंक नहीं है तो देखते हैं, नहीं, ये सही लग रहा है, ये आंसर हमें सही लग रहा है क्योंकि दोनों में फॉल्स दिया हुआ है जबकि कोई सेंटेंस फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड यानी कि बी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन yes. नंबर जो होती generally क्या होती है? होती वो क्या और मल्टीप्लाई रखिएगा देन यूकैरियोट सेल से थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई करती है अगर आपको याद हो तो ईस्ट की सेल यूकैरियोट है वो 90 मिनट में डिवाइड करती है और प्रोकैरियोट की सेल जो कि

और, और किस टॉपिक पे आपको एसन की आवश्यकता है उसका भी आप में भी बता सकते हैं तो आज के लिए इतना ही बाकी अगले वीडियोज में थैंक यू